नमस्कार, आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में मेरी किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। चित्रा नक्षत्र का जो रूलर होता है वो होता है मार्स, मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह किसका होता है? शक्ति का परिचायक होता है, अग्रांजी कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, तेज, टू मच एनर्जी, मार्स। ओके, तो चित्रा नक्षत्र का रूलर होता है मार्स। जो पुरुष होते हैं उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है? दे आर लर्नड पर्सन, इनके ये लोग ज्ञानी होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इंटेलेक्चुअल्स, उनका सोच थोड़ी सी गहरी होती है, गंभीर स्वभाव के होते हैं और ये बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव भी कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ साधने के लिए, अपना जो चाहते हो करने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इसको आप सही भी मान सकते हैं या गलत भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रकार से चीज को समझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने स्वार्थ साधने के लिए वो किसी की हानि नहीं करते, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये क्योंकि मार्स रूल होते हैं तो ये कभी कभी बड़े एक्सट्रीम सेंसिटिविटी के नेचर के होते हैं, तो हर एक बात को, छोटे छोटे बातों को ये बहुत बुरा मान जाते हैं। और इनका जो माइंड कभी कभी अनस्टेबल हो जाता है, मतलब ये कभी गुस्से में आ जाएंगे तो रेस्टलेसनेस टाइप का स्वभाव हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी इनकी है। और दूसरा है कि ये थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई रहता है तो कभी कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं। और लोगों को ये लगता है बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी या नेचर, लगता है कि ये प्राउडी टाइप के हैं, प्राउड टाइप के हैं, ऐसा लोग समझते हैं। अच्छा है, क्या है, ये गरीबों की मदद करने के लिए, जो दीनहीन है, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इनमें। लेकिन इनके जो स्वभाव मैंने जैसे बताया कि थोड़ा अनस्टेबल रहना, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी इनका रहना, तो वर्क प्लेस वगैरह में काफी दुश्मनी पैदा कर लेते हैं लोगों से। और इनका जो मैरिड लाइफ होता है इसमें भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहते हैं। चित्रा नक्षत्र के जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है? ये पुरुष के स्वभाव के हिसाब से एकदम बराबर नहीं होती है इस नक्षत्र के, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये जनरस होते हैं, तो दयालु होंगे, हेल्पफुल होंगे। पुरुष भी बताया मैंने कि वो डाउन ट्रॉडन के लिए, पोर के लिए मदद करते हैं, तो लड़कियां भी उस प्रकार से करती हैं। लेकिन इनका जो सेल्फ सेंट्रल नेचर होता है, इट पुट्स ऑफ पीपल समटाइम्स। तो यदि आप चित्रा नक्षत्र की लड़की है तो आप ये जान लें कि ये आपकी प्रोग्रामिंग है। सो विद अवेयरनेस यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर एंड प्रवृत्ति से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करें आप। और ये जो ओवर सेंसिटिव नेचर होता है लड़कियों की, सो दे आर जनरली मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बड़ी सेंसिटिव होती है ये, तो बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। और पुरुषों की तरह ये भी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करती हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़ेंगी, जैसे आपका बच्चों के लिए ऑर्फनेज वगैरह होता है, ऐसी चीजों के लिए हरदम तत्पर रहती है सेवा करने के लिए, तो बहुत सारे सोशल वर्क ये लड़कियां करती हैं। और ये लड़कियां जो है, इफ दे ट्राई टू गेट इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग एक्टिंग, दे विल डू गुड। जो इनका मैरिटल लाइफ होता है, शादीशुदा जिंदगी होती है, इसमें हस्बैंड के साथ में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहता है स्वभाव में, क्योंकि दोनों सेंसिटिव होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अनलेस दिस गर्ल फाइंड समबडी हु इज वेरी मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, और इतना सेंसिटिव नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी, शादी की जिंदगी अच्छे से चल सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि यदि लड़का लड़की दोनों चित्रा नक्षत्र के हैं तो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बड़े ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे और बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट whitelotusspirituality.com को लॉगिन करें, वहां आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप रुद्राक्ष जमसों को भी खरीद सकते हैं। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।